हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा ई बिजनेस का जिसका नाम है सी टू सी कमर्स तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन कस्टमर्स एंड कस्टमर्स आर नोन एज सी टू सी ट्रांजैक्शंस कस्टमर्स और कस्टमर्स के बीच में ही अगर कोई ट्रांजेक्शन हो तो उसे सी टू सी ट्रांजेक्शन कहा जाता है इन दिस सेटअप बिजनेस फर्म दैट इज सेलर आर ऑल्सो कस्टमर एंड बायर इज ऑल्सो अ कस्टमर दो कस्टमर्स के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है बायर भी कस्टमर है सेलर भी कस्टमर है इस टाइप के हम प्लेटफॉर्म को सी टू सी कॉमर्स कहते हैं इट प्रोवाइड्स सिक्योर्ड मार्केट सिस्टम फॉर द सेल ऑफ यूज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ होते हैं बेसिकली इसका एग्जांपल इंडिया में आप ओलेक्स कह सकते हो ज़्यादातर अगर डीलर के ना देखें अगर आपने कार परचेज़ करनी है तो कोई बेचने वाला भी कस्टमर है ख़रीदने वाला भी कस्टमर है तो तब की बात कर रहा हूँ मैं डीलर की बात नहीं कर रहा डीलर से कस्टमर खरीदता वो बात अलग है अगर मैं अपनी कार बेचता हूँ तो कोई और कस्टमर खरीदता है तो ये सी टू सी ट्रांजेक्शन या सी टू सी कमर्स हो गया सी टू सी ट्रांजेक्शन में इन्वाल्व सेलिंग ऑफ यूज बुक्स क्लोथ्स एंटीक आइटम्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा तो कोई भी यूज प्रोडक्ट अगर आप बेचते हो इंटरनेट के थ्रू किसी और कस्टमर को तो उसे सी टू सी कॉमर्स कहा जाता है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी अगर समझ या पसंद दोनों आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो में मैं, मैं लेके आऊँगा इंट्रा बी कॉमर्स टिल देन टेक केयर अ नाइस डे